नमस्कार, मैं सानिया फलक। आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। मजदूरों को नहीं मिला रोजगार, पुराने काम भी अब तक नहीं हुए पूरे। शहडोल जिले के ग्रामीण इलाके सोहागपुर, गोपारू, ब्योहारी, जयसिंह नगर और बुढ़ार क्षेत्र के विकास के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संचालित योजना ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा, पीएम आवास योजना, मध्यान्ह भोजन और स्वच्छ भारत जैसी योजना गाँव के विकास एवं प्रगति कार्य के लिए शुरू की गयी थी और इस कार्य के हिसाब से मासिक ग्रेड भी रखा गया था, लेकिन किसी भी जनपद पंचायत को ए ग्रेड नहीं मिला। विभागीय योजना के आधार पर की गई पंचायतों की ग्रेडिंग में सोहागपुर और गोपारू को बी ग्रेड में रखा गया और वहीं ब्योहारी, जयसिंह नगर और बुढ़ार सी ग्रेड में ही सिमटा रहा। इससे यह पता चलता है कि ग्रामीण इलाकों की विकास की स्थिति कैसे है और इस वजह से मजदूरों को भी रोजगार नहीं मिला, जिसका प्रभाव उनकी निजी जिंदगी में पड़ रहा है। जिले के नवम्बर महीने में 1,61,569 मजदूरों को काम देने का लक्ष्य रखा गया था, जिनमें से सिर्फ 1,10,053 मजदूरों को ही काम में रखा गया और 30% मजदूरों को एक भी दिन के लिए रोजगार नहीं दिया गया। अब इन सब की वजह पंचायत के सरपंच ही है। वर्ष 2016 से 2020 के बीच में आवास योजना का कार्य अब तक नहीं किया गया। 77,465 आवास घरों के लिए स्वीकृति दी गई थी, जिनमें से सिर्फ 65,512 आवास मकान ही बनाए गए। मजदूर एवं ग्रामीणों ने मिलकर इसकी शिकायत जिले के कलेक्टर से की, तब जिला कलेक्टर वंदना वैद ने तुरंत मामले की जांच की और जनपद के सीईओ को नोटिस जारी किया और कहा कि जल्द से जल्द नोटिस का जवाब दिया जाए। अब तक 5 वर्षों का पीएम आवास योजना और ग्रामीण विकास के लिए लागू की गई योजना का कार्य अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ और जितने भी मजदूरों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था, उनमें से 30% मजदूरों को रोजगार क्यों नहीं दिया गया। अब देखना यह है कि कलेक्टर द्वारा जारी किए गए नोटिस का जवाब कब तक गाँव के सरपंच देते हैं। जनपद पंचायत के सरपंच ने इतने छोटे छोटे गाँवों का विकास कार्य करने में इतना समय क्यों लगा दिया, या फिर प्रशासन ही कार्य के लिए फंड नहीं दे रही है, जिस वजह से गांव का विकास रुका हुआ है। धन्यवाद।